नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने और स्वागत करता हूं। ये वीडियो पूरी तरह से केंद्रित है आज भारतीय इतिहास के ऊपर। भारतीय इतिहास का एक अब हम सेशन शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में देखेंगे तो मैंने तीन सब्जेक्ट पब्लिकली सबके लिए करा रखे हैं। एक तो इंडियन पॉलिटी सबसे पहले, फिर आधुनिक भारत, और तीसरा एनवायरमेंट पर्यावरण, और कुछ वीडियो हमारी साइंस की डिजीज़ बायो से संबंधित है। इसके अलावा हमने बाकी टेस्ट और अलग अलग लाइव सेशन डिफरेंट टाइप की चीज़ें की हैं। अब इसमें हमारा चौथा सबके लिए नॉर्मल जो कोर्स है चैनल पे, जो कंप्लीट कोर्स के रूप में चलेगा, वो होगा भारतीय इतिहास के तहत प्राचीन भारत। बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको प्राचीन भारत देखने को मिलेगा, एंशियंट इंडिया, ठीक है। तो इसी के तहत ये इसका पहला वीडियो है, और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ही बेसिक से, ज़ीरो लेवल से, कि क्या क्या चीज़ें हमको किस तरीके से प्राचीन भारत में पढ़नी है, क्या टॉपिक्स हैं, और फिर उस तरीके से हम टॉपिक्स को लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगेगा, और इसी के साथ हम चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर इतिहास को, भारतीय इतिहास को देखें या किसी भी इतिहास को देखें, तो बेसिकली इसको हम लोग दो से तीन भागों में बांट सकते हैं, जिसको अब बहुत पॉपुलरली आप लोग जानते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। भारतीय संदर्भ में देखें, अगर विश्व के संदर्भ में देखें तो आपको एक विश्व इतिहास अलग से ऐड कर लेना पड़ता है। कुछ परीक्षाएँ ऐसी होती हैं जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी आती है, और लेकिन यूपीएससी या यूपीपीसीएससी अलग अलग जो लेवल की जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है उसमें अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स लेवल पे, खास तौर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले में पोर्शन में, ज़्यादातर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक को पूछा जाता है। अगर इसमें भी वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो आधुनिक और प्राचीन का महत्व कहीं ज़्यादा है मध्यकालीन के मुकाबले। हाँ, कई परीक्षाओं में मध्यकालीन की भी वेटेज होती है, जैसे DSSB की परीक्षाओं में विश्व इतिहास और मध्यकालीन TGT सोशल साइंस के लोगों को ज़्यादा आता है। अब हम जैसे प्राचीन भारत शुरू करने जा रहे हैं, तो प्राचीन भारत को अगर हम देखें तो अब कैसे मेमोराइज़ करेंगे। कुछ लोग प्राचीन भारत की शुरुआत को मानते हैं कि प्राचीन भारत अगर पढ़ना है तो सीधे हड़प्पा संस्कृति से चल लिया जाए और वहाँ से चीज़ों को शुरू किया जाए। बहुत बेसिक सा भी है, और जो आपको नॉर्मल बुक्स मिलेंगी उसमें वहीं से शुरुआत हो रखी है, और हमको लगता है कि सब चीज़ें वहीं से पढ़नी है। अब देखिए, मुख्य रूप से मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, वहाँ से आपको थोड़ी सी चीज़ें होंगी कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे और किस तरीके से हम सिलेबस को लेके आगे बढ़ेंगे। मैं जस्ट आपको अगले पेज पे लेके जा रहा हूँ, और ये देखिए एंशियंट हिस्ट्री, मतलब प्राचीन भारत क्या है। प्राचीन भारत का जो ऐतिहासिक हिस्सा है उसको हम लोग दो भागों में शुरुआती रूप से बांटते हैं। पहला बांटते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, और दूसरा आद्य ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक का मतलब क्या है, प्री हिस्टोरिक या प्री हिस्ट्री, मतलब इतिहास से पहले का काल। इतिहास किसको बोलते हैं, उस काल को बोला जाता है इतिहास। इतिहास उस काल को बोला जाता है जिस काल की भाषा का हम लोगों को ज्ञान हो सके, जिस काल की भाषा के विषय में हम लोगों को अध्ययन हम कर सकते हैं, उसका अर्थ पता लग सके। और जिस समय की भाषा का ज्ञान नहीं होता है उसको प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, मतलब हिस्ट्री से पहले का समय, हिस्ट्री से पहले का काल। तो अगर भारतीय इतिहास में देखा जाए, प्राचीन भारत को अगर हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास एक हमको पढ़ना पड़ेगा प्री हिस्टोरिक पीरियड, मतलब वो काल जिस काल में हमको भाषा का ज्ञान नहीं है, या उस काल में जो सिम्बल्स हैं उसको हम पढ़ नहीं सकते। दूसरा पोर्शन आता है आद्य ऐतिहासिक, मतलब आद्य से ऐतिहासिक, आद्य तो हटाई दीजिए बिकॉज इसको, हाँ हटा देना ही ठीक है। ऐतिहासिक काल मतलब वो जिसमें हम भाषाओं को सीधे सीधे पढ़ सकते हैं, और ये चीज़ें हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन से चीज़ों को शुरू करते हैं, लेकिन हम देखिए प्राग ऐतिहासिक काल में बेसिकली हम लोग देखेंगे प्रस्तर युग, स्टोन एज जिसको बोलते हैं, और दूसरा पोर्शन होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को भी हम प्राग ऐतिहासिक के ही हिस्से में रखते हैं, बिकॉज वो हिस्ट्री के हिस्से में नहीं आता है, क्योंकि उसकी भाषा का ज्ञान आज तक नहीं हो चुका है। जब हम लोग सिंधु घाटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि लिपियाँ क्या थी और क्या उसकी भाषाएँ थी, खासतौर से चित्रात्मक थी, और जो लिपियाँ थी बोस्ट्रोफेडन थी, जिसका आज तक अध्ययन नहीं किया जा सका। और वैसी ही सेम कंडीशन है प्रस्तर युग, मतलब स्टोन एज में, ठीक है।
स्टोन एज मतलब पृथ्वी के निर्माण 400 करोड़ साल से पहले के करीब हुआ था, उसके बाद धीरे 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 करीब 30 से 20 लाख ईसा वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व के आसपास मानव की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो वहाँ से मानव की उत्पत्ति के पीरियड से लेके जब मानव ने थोड़ा अपने आपको डेवलप किया, धीरे धीरे पत्थरों का यूज करना उसने शुरू किया करीब 5 लाख ईसा पूर्व 5 लाख BC के आसपास, तो वहाँ से स्टोन एज शुरू होता है। और स्टोन एज बड़ा बोरिंग टॉपिक है, वहाँ से बेसिकली हम लोगों को एंशियंट हिस्ट्री को स्टार्ट करना चाहिए आदर्श रूप से। तो अगर आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते से ही शुरुआत करते हैं तो थोड़ा सा पीछे जाके इसको भी उड़ा दीजिएगा, है ना। तो अब मैं आपको पहले सिलेबस बता रहा हूँ कि एंशियंट इंडिया में क्या क्या आएगा। अब देखिए, जो प्रस्तर युग है इसमें बेसिकली तीन अलग अलग फेजेज आते हैं, तीन भागों में इस पूरे स्टोन एज को, पत्थरों के काल को, पत्थरों के यूज़ के आधार पर हमने इस कालों को बांटा हुआ है। मानव ने किस किस प्रकार से पत्थर का यूज़ करना अलग अलग तरीके से शुरू किया, उस आधार पर काल बटे हुए हैं। सबसे पहले होता है पूरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण और नवपाषाण। फिर पूरा पाषाण को भी हम लोग फर्दर तीन भागों में बांटते हैं। ये स्टोन एज जब मैं कराऊंगा तब हम उसको डिटेल में करेंगे सारे, अभी मैं आपको सिर्फ एक ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ। दूसरी बात, फिर प्राग ऐतिहासिक में ही आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब पूरा वही सिंधु घाटी सभ्यता, किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता थी आज, मतलब अगर भारत में देखा जाए तो प्रथम नगरीकरण का एक प्रकार से द्योतक भी माना जाता है उसको, एक सरप्लस इकोनॉमी वाली अर्थव्यवस्था और एक सरप्लस इकोनॉमी वाला एक वो काल, एक वो साम्राज्य जिसमें कि आज से करीब 5000 वर्ष पूर्व भी शानदार व्यापारिक उपलब्धियां वहां देखने को मिलती हैं, ये पढ़ना होगा। उसके बाद इसका पीरियड अगर देखा जाए, इसका पीरियड आप लोगों को देखने को मिलता है 2500 बीसी से करीब 1750 बीसी के आसपास का। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर आते हैं ऐतिहासिक पीरियड, मतलब अब वो पीरियड स्टार्ट हो जाता है जिस पीरियड को बेसिकली हिस्ट्री माना जाता है, जिस पीरियड को बेसिकली हिस्ट्री बोला जाता है, मतलब वो भारत में अब वो काल जब हम उसकी भाषाओं को पढ़ने लग गए, जब उसके अर्थों को समझने लग गए, अब वो था सबसे पहले वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल को बेसिकली बांटे जाएंगे दो भागों में, ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर ऋग्वैदिक पीरियड, या वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल भी इसको आप बोल सकते हैं। डिटेल में इसको पढ़ना पड़ता है, वैदिक काल में हमको सारे वेद वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, फिर कैसे समाज का पतन होते हुए समाज उत्तर वैदिक काल में कुरीतियाँ आती हैं। फिर इसके बाद मैंने सिर्फ प्राचीन भारत लिखा है, और टिपिकली बड़ा फेमस वाला पोर्शन शुरू होता है एक्चुअली यहाँ से। ये सब एक अगर इंडस वैली को आप छोड़ दें, सिंधु घाटी को आप छोड़ दें, तब ये सब अगर बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन मार्क्स आते हैं और कठिन क्वेश्चन बेसिकली इस पोर्शन से और यहाँ से निकल सकता है। देखिए, प्रस्तर युग जो वाला जो पीरियड है पहले, अब थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन अगर आ गया तो आपका छूट जाएगा बिकॉज, है ना, तो इसलिए आपको यहाँ से लेके चलना पड़ेगा। मैंने इसमें जो गिचपिच किया उसकी चिंता मत कीजिएगा, बिकॉज इसकी PDF आपको मिल जाएगी, जो बोर्ड पे लिखा हुआ ऑटोमेटिकली क्लियर उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। आप लोग रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो। अब आगे चले तो क्या, जो प्राचीन भारत का जो फेमस पोर्शन है वो उसमें क्या होता है। प्राचीन भारत का जो फेमस पोर्शन है वो है कुछ इस तरह सर। प्राचीन भारत में अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से प्राचीन भारत को, इतिहास को, जो पूरा डायनेमिक इतिहास था उस समय के लिए होता 600 बीसी से ईसा की 606 शताब्दी पूर्व से लेके 712 AD, 712 AD बड़ा क्रूशल है, जो तब तक प्राचीन भारत को माना जाता है जब तक मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर अटैक नहीं हुआ था। बहुत लोग पाल, प्रतिहार, गुर्जर वगैरह को भी प्राचीन भारत का हिस्सा मानते हैं, वो नहीं था प्राचीन भारत का हिस्सा, यहाँ तक है। तो 712 AD तक हमारा प्राचीन भारत काम करता है, करीब 1100 साल के आसपास प्योर कट प्योर एंशियंट इंडिया। उससे पहले हमारा 1500 ईस्वी से लेके अगर देख लीजिए तो 600 BC से लेके 600 BC के आसपास 900 साल के आसपास का वैदिक पीरियड था, है ना, 1500 से 600 इससे पहले तक का वैदिक पीरियड था, जो दो भागों में बटेगा, वैदिक और लेटर वैदिक में। उसके बाद ये पोर्शन है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, एक है महाजनपद, कैसे कबीलों से महाजनपदों का निर्माण हुआ,
कबीले थे, कबीले के बाद कैसे जनपद डेवलप हुए, जन डेवलप हुए, फिर जनपद डेवलप हुए, जनपद आज भी गाँव के डिस्ट्रिक्ट को, दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट को जनपद बोला जाता है ना। फिर जब खूब सारे जनपदों को मिला के महाजनपद साम्राज्य की उत्पत्तियाँ हुई, कैसे ये डेवलप हुआ ये पढ़ना होता है। और ये कब डेवलप हो गए थे महाजनपद, करीब 600 BC उसके आसपास का समय पढ़ना होता है। इसी समय में आपको वो दो धर्म भी पढ़ने को मिल जाएंगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अब आप समझ रहे हैं किस तरीके, क्योंकि बहुत लोग तो इसके बाद ये वंश, इसके बाद ये वंश, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं पढ़ना। आपको एक खाका तो देखना पड़ेगा दिमाग में। उसके बाद बड़ा फेमस, सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद जो था मगध, उसके विषय में आपको पढ़ना पड़ेगा। मगध के शुरुआती जो वंश थे हर्यक वगैरह, फिर लास्ट में नंद वंश वगैरह तक आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जब से जोरदार जो वंश स्टार्ट होता है, जहाँ से मारकाट शुरू हुई जबरदस्त तरीके से, जहाँ से एंशियंट हिस्ट्री थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है, होते मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड। ये पीरियड आप देख रहे हैं मैंने कौन सा मार्क लगाया हुआ है, 323 BC अलेक्जेंडर की मौत वाला पीरियड, चंद्रगुप्त मौर्य के आसपास के समय का पीरियड। वहाँ से लेके 184 AD तक ये पीरियड चलता है, जब मौर्य साम्राज्य अपने चरम पे होता है, भारत का स्वर्णिम काल। उसके बाद मौर्यों का पतन होता है और मौर्यों के बाद वाला पीरियड आता है, खासतौर से मौर्योत्तर काल, गुप्तों के बाद गुप्तोत्तर काल। इनमें विदेशी आक्रमण होते हैं, मतलब ये दो बड़े पराक्रमी गुप्त, पहले मैं समझा दूँ, मौर्य साम्राज्य यहाँ से यहाँ तक मौर्योत्तर काल 184 से 313 AD तक, फिर गुप्त काल आया, फिर 313 से करीब 550 AD तक, फिर गुप्तोत्तर काल आया, इसी के बीच में ये पूरा ऐड होगा दोनों में, लास्ट में हर्ष का काल यहाँ तक। मैं बताऊँ तो आपको, देखिए मौर्य और गुप्त, मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल मतलब लेटर मौर्य पीरियड, यहाँ विदेशी आक्रमण हुए। गुप्त के बाद गुप्तोत्तर काल, यहाँ विदेशी आक्रमण हुआ, मतलब जब बड़ी सत्ताएं खत्म हुई तो विदेशियों ने आक्रमण किया भारत में, समस्याएं पैदा की भारत में। दो फेज में ही खासतौर से विदेशी आक्रमण भारत में ज़्यादातर हुए हैं, प्राचीन भारत के इतिहास के हिसाब से आप देखेंगे तो, मौर्यों के जाने के बाद और गुप्तों के जाने के बाद। उसके बाद अंतिम जो प्रतापी वंश अगर देखा जाए तो हर्षवर्धन का ही था, इसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं बचा। थोड़ा बहुत राजपूतों ने मध्यकालीन में आके संघर्ष किया पृथ्वीराज चौहान के समय तक, उसके बाद फिर भारत में विदेशियों का ही राज हुआ 1947 तक। तो इस तरह अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी और एक आइडिया लग जाएगा, हाँ भैया पढ़ना क्या है हमको। अब चलते हैं आगे की ओर। अब हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं, है ना, किस तरीके से हमको एक स्टार्ट लेना है। अब देखिए प्राचीन भारत को हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री का या हम पढ़ते हैं तो हिस्ट्री किसने बनाई होगी, किसने लिखी होगी, क्यों लिखी होगी और यही क्यों लिखा, इसका क्या प्रूफ था। तो कुछ भी लिखने के लिए जो भी ऐतिहासिक लेखकों ने जो चीज़ें लिखी हैं हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में लेखकों के बारे में, उन्होंने किन चीज़ों का यूज़ किया इतिहास के लेखन में। इतिहास के लेखन में सबसे बड़ा कार्य होता है साक्ष्यों का, प्रूफ का, जैसे साइंस हाइपोथेसिस पे और फिर उसको प्रूफ किया जाता है कि हाँ भाई ये मानते हैं, ये प्रूफ हो गया। वैसे ही इतिहास में माना जाता है एक थ्योरी कि हाँ ऐसा हुआ होगा और उसके बाद ये हुआ होगा, उसके लिए क्या कुछ साक्ष्य चाहिए। तो कौन कौन से साक्ष्य हैं जिसके आधार पर इतिहास का लेखन किया जाता है, क्या क्या स्रोत होते हैं जिससे इतिहास का लेखन किया जाता है। जैसे मानव की उत्पत्ति के बारे में माना जाता है कि अफ्रीका के पास से, अगर वेस्टर्न अफ्रीका का जो मिड पोर्शन है, जो विषुवत रेखा के पास का जो अफ्रीका है, वो वेस्टर्न हिस्से में पश्चिमी साइड का, वहाँ से डेवलपमेंट हुई, वहीं से घास के मैदान बने, वहीं से शायद मानव की उत्पत्ति हुई होगी और उसने ट्रैवल किया ईस्ट अफ्रीका की ओर, और इस दौरान 20 लाख साल पहले की घटना होगी और धीरे धीरे फिर मनुष्यों ने अलग अलग जगहों पर फॉलो किया होगा, अलग अलग जगहों पर पहुँचे होंगे। भारत में जो सबसे पुराने साक्ष्य अगर देखे जाए तो करीब 9 लाख वर्ष पुराने हैं मनुष्य के। तो उसके बाद जब मनुष्य बना, फिर पत्थर युग आया, मैंने बताया पत्थर युग के बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने को डेवलप किया, हड़प्पा संस्कृति आई, अलमल हड़प्पा जैसी और भी अलग अलग संस्कृतियाँ आई अलग अलग जगह। उसके बाद हड़प्पा के बाद फिर भारत में वैदिक पीरियड आया, फिर उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड आया, उसके बाद फिर हमारे पूरे वो महाजनपद और पूरा तामझाम। अब देखिए कैसे पूरी राम कहानी लिखी गई, उसके लिए कुछ साक्ष्य होते हैं, किन किन चीज़ों को एज ए सोर्स यूज़ किया गया है इंडियन हिस्ट्री की राइटिंग में। देखिए सबसे पहले तो है लिटरेचर, तीन चीज़ों को यूज़ किया गया सर, तीन एविडेंस को, लिटरेचर, फिर आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मतलब खुदाई उदाई में जो चीज़ें मिली हैं पुरातत्व से उसके प्रूफ को, और उसके बाद जो विदेशी आए इंडिया में या कुछ जो विदेशी लिटरेचर में या विदेशियों ने जो इंडिया के बारे में लिखा उसके प्रूफ। इन तीन प्रूफों से हिस्ट्री राइटिंग हुई है इंडिया की। अगर देखें तो साहित्य में क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं ये देखना पड़ेगा आपको। साहित्य को अगर हम काटें तो दो भागों में इसको तोड़ सकते हैं, एक होता लौकिक, एक होता धार्मिक, ठीक है, लौकिक और
धार्मिक, धार्मिक को पहले देखते हैं क्योंकि धार्मिक बहुत सिग्निफिकेंट है। धार्मिक को दो भागों में बांटते हैं हम लोग, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणों के बाद का साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य बोलते हैं। ब्राह्मण साहित्य बड़े फेमस है, जैसे कि वेद, ये सारे वैदिक पीरियड के आसपास के समय बने हैं। वेद, पुराण, वेद में चार वेद जो थे उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं भैया, वो प्रूफ के रूप में इतिहास के, हाँ ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, नदियाँ थी, नाले थे, ये सब। उपनिषद, पुराण, आरण्यक, महाकाव्य, मतलब रामायण हो चाहे महाभारत, दो बड़े महाकाव्य है ना भारत में, इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके आधार पर इतिहास लेखन को किया जाता है। उसके बाद ब्राह्मणेतर साहित्य में कौन से, जो धर्मों के जो साहित्य निकले हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये बड़े साहित्य हैं। ऐसे अन्य धर्मों के भी छोटे छोटे साहित्य हैं जो कि ब्राह्मण साहित्य के अलावा हैं। ब्राह्मण साहित्य वो जिनका ब्राह्मणों ने, खासतौर से ब्राह्मण वर्ग ने जिसका लेखन किया था, ठीक है। फिर दूसरा पूरा था पुरातत्व से, पुरातत्व से मतलब खुदाई में जो मिले, भवन मिले हैं, इमारतें मिली हैं, किताबें मिली हैं, मुद्राएं मिली हैं, चित्रकलाएं मिली हैं, स्मारक मिले हैं, है ना, अभिलेख मिले हैं जो खुदाई में लिखा हुआ, अशोक के अभिलेख आप लोग पढ़ते हैं, रुमनदेही के अभिलेख, उन अभिलेखों पर क्या क्या लिखा हुआ है उससे चीज़ें पता लगती है ना, और फिर वो हम लोग उसको देखते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो आता है विदेशी यात्री, जो विदेशी यात्री आए हैं वो भारत के बारे में क्या लिखते थे, और या विदेशी कुछ ऐसे एमिनेंट लोग जिनकी लिटरेचर से पता लगता है इंडिया के बारे में। जैसे तीन अलग अलग जगह के जो ट्रैवलर्स थे या लोग थे, उन्होंने इंडिया के ऊपर काफ़ी कुछ काम किया है। जैसे कि ग्रीको रोमन, ग्रीक और यूनानी रोमन जो लोग हैं वो चीनी और अरबी, इसमें मेगस्थनीज बहुत प्रमुख था, पता होगा आपको, टीसीएस, हेरोडोट्स, है ना, इतिहास के जनक अगर देखे जाए तो, डाइमेकस, इन सब के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ग्लिम्स दे रहा हूँ, ठीक है। टॉलमी, प्लीनी, इन लोगों के कामों में इंडिया का जिक्र मिलता है और इंडिया का वो वर्णन करते हैं, और उससे हमारे जो राइटर हैं या जो फॉरेन राइटर्स हैं इंडिया के, एंशिएंट इंडिया के राइटिंग में उनको पता लगता है, फिर उसका लेखन वो करते हैं। इसके अलावा कुछ चीनी यात्री आए थे, ये चार बड़े प्रोमिनेंट हैं, फाहियान, शुनयुन, हेनसांग, इत्सिंग, आप सब लोग इनके बारे में जानते हैं, इनके बारे में हमने खूब पढ़ा हुआ है और हम लोग इसमें भी डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर अरबी में मेन तीन थे जो आए थे, सुलेमान, अल मसूदी और अल बरूनी, किताबुल हिंद वाले, ठीक है। तो इस प्रकार इन लोगों की राइटिंग के साथ इतिहास का लेखन का काम स्टार्ट होता है, और फिर स्टोन एज से लिखाई शुरू होती है, और स्टोन एज से आते आते और अंत होता है 711-12 तक, और वो पूरा पीरियड होगा प्राचीन भारत का। तो प्राचीन भारत का एक आपको इंट्रोडक्शन वीडियो ये मिल गया, सेकेंड वीडियो होगा कल रात तक, जो जिसमें कि हम लोग अब पहला स्टोन एज से आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे, और जो इन लोगों के बारे में है, या इन लोगों के बारे में, या इन लोगों के बारे में, वो हम कंटिन्यूस स्टडी के दौरान उनको पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और पूरे प्राचीन भारत के लिए इस पे बने रहिएगा। धन्यवाद।